Today I am recording this video to explain the importance of sleep. Sleep matters, and perhaps its importance is more than what we have thought. बहुत दिनों से हम ये सोचते हैं जो शाम को अर्ली सोते हैं सुबह अर्ली उठते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं ज़िंदगी में, और हम अपने पेरेंट्स और अपने एक सोशल विजडम से यही सीखते हैं कि अर्ली मॉर्निंग में उठोगे तो बहुत अच्छा फ्रेश रहता है दिमाग एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ज़्यादा सोने वाले लोग आलसी होते हैं, इस टाइप की चीज़ें हम सुना करते थे और पढ़ते भी थे। अभी हमने एक किताब पढ़ा और बहुत रिसर्च्ड किताब थी, स्लीप, साइंस ऑफ द स्लीप। उस किताब ने मेरी आंखें खोल दी। उस किताब में ये समझाया गया है, इट इज़ हमारी चॉइस नहीं है। कुछ लोग नेचर ने अर्ली स्लीपर अर्ली राइजर बनाया है, कुछ लोगों को लेट स्लीपर लेट राइजर बनाया है, बट एक चीज़ सही है कि सबको 7-8 घंटे की अच्छी नींद लेनी चाहिए, ये सबके लिए अनिवार्य है। कब सोना है कब तक सोना है ये हर आदमी का पर्सनल चॉइस अकॉर्डिंग टू हिज फिजियोलॉजी बायोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी, जो भी फैक्टर्स है उसके हिसाब से होता है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि कुछ लोग रात भर जगते हैं उनको दिन में सोना अच्छा लगता है, या अर्ली मॉर्निंग से लेकर लेट मॉर्निंग तक उठने का मन करता है। तो इसके पीछे उस किताब में एक बड़ी अच्छी सी समझाएगी कि शुरू में जब मानवता अपने आदिम विकास के सोपान पे थी तो किसी न किसी को रखवाली करना होता था, क्योंकि बहुत हिंसक जानवर या खतरे रहते थे कबीलों पे। तो कुछ लोग अर्ली सो जाते थे, वो अर्ली जग जाते थे, वो रखवाली करते थे। कुछ लोग देर रात जगते थे और फिर देर सुबह तक सोते थे, तो उस दौरान वो रखवाली करते थे। तो यही ये प्रवृत्ति है जो कुछ लोगों को कहा जाता है नाइट आउल और कुछ लोगों को कहा जाता है नाइट लार्क। तो हम बच्चों में भी ये देखते हैं, बच्चे सवेरे उठते हैं उनकी नींद पूरी नहीं होती है और हम सोचते नहीं नहीं उठो उठो उठो। एक चीज़ तो सारे पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी बच्चा गहरी नींद में सो रहा है या जब तक सो रहा है उसकी नींद को नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए, जब तक कि कोई अपरिहार्य कारण ना हो। अगर बच्चा नींद कम लेगा तो उसका मेंटल ग्रोथ ठीक नहीं होगा, और अगर एक प्रौढ़ या वयस्क या वृद्ध आदमी पूरी नींद नहीं लेगा तो वो बहुत सारे गलत डिसीजंस लेगा। नींद न केवल हमारे मानसिक संतुलन को, इमोशनल इंटेलिजेंस को, थॉट प्रोसेस को अच्छा करती हैं, बल्कि नींद हमारी बॉडी को बहुत सारे इंटरनल जो फंक्शंस होते हैं, हमारी रिपेयर, हमारी डीएनए को रिपेयर करना और बहुत सारी चीज़ें हैं, मेडिकली ये प्रूवन है कि एक अच्छी नींद वाला आदमी का ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी होंगी। और जो नींद अपनी कट करता है, जो सोचता मैं तो 2 घंटे सो लेता हूँ 3 घंटे सो लेता हूँ और इसमें अपनी बहादुरी दिखाता है, एंड देयर इज़ नो लाइक ए डीप स्लीप लाइक दैट। एक स्पैन ऑफ स्लीप होता है, शुरू में हमें NREM बोलते हैं, नॉन रैपिड आई मूवमेंट होता है, और एक होता है रैपिड आई मूवमेंट REM। तो शुरू में हम जब सोते हैं तो नींद रहती है, उसमें हमारा माइंड रेस्ट करता है। इसके बाद सेकेंड हाफ जो अर्ली मॉर्निंग होता है और REM होता है, रैपिड आई मूवमेंट होता है, इस दौरान हम ड्रीम करते हैं, एंड ड्रीम इज पार्ट ऑफ स्लीप। एंड ड्रीम के पीछे ये भी प्रिंसिपल खंडन हो गया, फ्रायड एंड ऑल दैट। ड्रीम एक्चुअली माइंड अपने आप से, जो हमने दिन भर अपनी कार्य प्रणाली को समझा है या सीखने की कोशिश किया है या जिन इश्यूज पे हम उलझते जा रहे हैं, रात को हमारा दिमाग जो सेकेंड फेज ऑफ स्लीप होता है उसमें उन सबको ऑर्गेनाइज करता है, और वो देखता है कि हम क्या सीखना चाहते थे, कैसे उसको सीखे। बहुत सारे म्यूजिशियंस या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट वो सितार बजाना सीख रहे थे, शाम को बहुत कोशिश की नहीं किए और सुबह देखे और अगले दिन उठे अच्छी नींद लेके और उनका दिमाग एकदम अच्छा हुआ। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इसमें यह है कि
हमारी नींद का 7-8 घंटे होना बहुत ज़रूरी है। और नींद के बारे में दूसरी साइंस, ये साइंस की दूसरी फाइंडिंग ये कहती है कि नींद से हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस, लॉजिक पावर बढ़ता है। तो और दूसरी चीज़ ये कि नींद का कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है बैलेंस। अगर हमने नींद खोई है तो हमने अपना घाटा उस दिन कर लिया है। नींद कम आने से, नींद कम लेने से जो भी कुछ है वो एक तरीके से हम बहुत सारी ओबेसिटी, डायबिटीज़, इवन कैंसर तक की बीमारियां रिलेट की जा रही हैं स्लीप डिप्राइवेशन से। अब बात आती है दूसरे एस्पेक्ट की कि जब नींद हम कम लेते हैं तो हमारी हंगर बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है और बहुत सारी बॉडी के अंदर गतिविधियां होती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होती है। ये देखा गया है कि बहुत सारे प्लेन क्रैशेस, टेल क्रैशेस ऑफ द प्लेन ड्यूरिंग द लैंडिंग्स, मोटर एक्सीडेंट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उसमें जो स्लीप ड्राइव डिप्राइव जो ड्राइवर्स रहते हैं दे आर एज बैड एज अल्कोहलिक्स। जो अफेक्ट अल्कोहलिक्स का होता है बैड ड्राइविंग पे, सेम इफेक्ट स्लीप ड्रिवन स्लीप डिप्राइव्ड पर्सन का होता है। जब हम स्लीप कम रखते हैं तो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का कंट्रोल जो है अपनी बॉडी पे ख़त्म हो जाता है। इट इज़ एज बैड एज वी हैव टेकन लॉट ऑफ अल्कोहल। तो स्लीप डिप्राइव्ड ड्राइविंग इज़ एज बैड ड्राइविंग एज अल्कोहल। परहैप्स अभी हमारे ट्रैफिक पुलिस को, गवर्नमेंट को इस बारे में लॉज की बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि स्लीप डिप्राइव्ड ड्राइविंग इज़ एज बैड एज ड्रंकन ड्राइविंग। अब स्लीप डिप्राइव ड्राइविंग को कैसे करना है इंडिविजुअल लाइफ में, ये कैसे करना है, ये एक बड़ा भारी चैलेंज है। क्योंकि कुछ सर्विसेज होती हैं एसेंशियल होती हैं जो ओवर द राउंड द क्लॉक चलती हैं, बट एक चीज़ ये है कि 24 घंटे के अंदर स्लीप को हमें ऐसी आदत डालनी चाहिए कि हम 7-8 घंटे नींद लें और कोशिश हो एक स्ट्रेस में लें। लेकिन अगर आप नैप भी लेते हैं दोपहर में और ये सब चीज़ करते हैं तो ऐसा बुरी बात नहीं है, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अमेरिका में कहा जाता है स्लीप डिप्राइवेशन से $400 बिलियन का नुकसान होता है, क्योंकि हम जब कम सोते हैं हम ये दिखावे का काम करते हैं, बहुत काम कर रहे हैं कम सोते हैं, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी और आउटकम कम निकलता है। हम कम काम करें, कम आवर्स काम करें लेकिन अच्छी स्लीप लेके करें तो शायद हमारा आउटपुट भी ज़्यादा अच्छा होगा। अब दूसरी सारी चीज़ें आती है कि स्लीप को समझने के लिए, स्लीप को करने के लिए बहुत सारे प्री कंडीशंस होते हैं। जैसे हम अपने जगने का तो अलार्म लगाते हैं लेकिन सोने का अलार्म नहीं लगाते हैं। सिमिलरली जैसे हम स्लीप के बारे में एक डार्क रूम को हमें पसंद करना चाहिए, कूल रूम को पसंद करना चाहिए, कंफर्ट लेवल अच्छा होना चाहिए, ये अलार्म वगैरह या फ़ोन वगैरह इस तरीके से साइलेंट मोड में कर देना चाहिए या कहीं रख देना चाहिए, ताकि मतलब इस तरीके से स्लीप को हम नहीं ख्याल करते हैं। वी टेक लॉट ऑफ केयर ऑफ हेल्थ एट्सेट्रा लेकिन स्लीप का ख्याल नहीं करते हैं, जबकि स्लीप के बारे में बताया गया इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी या फॉर एनी एनिमल। हर जानवर, हर पक्षी सोता है, और ये सोना उसके लिए इसलिए नहीं ज़रूरी है कि वो थक गया है। सोना उसके लिए उसकी बॉडी को बहुत सारी प्रोसेसेस को रीजनरेट करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए ज़रूरी होता है। तो ये सोने को आप हल्के में मत लीजिए, जैसे खाना लो कैलोरी खाइए, डोंट स्टफ योर बॉडी विद टू मच थिंग, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करिए, बढ़िया न्यूट्रिशन लीजिए और खाने के लिए मत जिए, जीने के लिए खाइए। और फूड को रेलिश करना हो तो कभी कभी करिए, रोज़ फूड को रेलिश नहीं कर सकते हैं बिकॉज आवर बॉडी इज़ नॉट मेंट फॉर सच हैवी कैलोरी एंड कार्ब लोडेड फूड। और ये भी बात सही कि खाने के बाद नींद आती है, तो नेचुरली आपका खाने का एक सिस्टम होना चाहिए। और एक चीज़ और देखा गया कि अगर आप कॉफ़ी या चाय पीते हैं तो कम से कम 4-5 घंटे का गैप होना चाहिए बिफोर स्लीप, क्योंकि ये कैफीन हमारे अंदर जाती है, ये स्लीप के जो हमारे अंदर जो केमिकल्स होते हैं जो हमें स्लीप लाती है, मेलाटोनिन एंड ऑल दैट, इसको डिस्टर्ब करता है।
सिमिलरली ये भी कहा गया कि अल्कोहल भी हमें ये प्रिटेंड कराता है, हमको ये फॉल्सली समझाता है कि हमें अच्छी नींद आई। अल्कोहल इज नॉट कंड्यूसिव टू द स्लीप साइंस। उसी तरीके से ड्राइविंग जब भी आप करिए, एक चीज़ सोच लीजिए कि नथिंग इज़ बिगर देन लाइफ। तो जो लोग करते हैं ना कि आज सुबह जाना है और बस रात में 2 घंटे सो के सवेरे 2 बजे निकल जाएंगे, दे आर नॉट डूइंग जस्टिस विद देयर बॉडी, और उसी स्लीप डिप्राइव्ड होने की वजह से उनको बहुत बड़ा खतरा उठाना पड़ सकता है। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ, स्लीप मैटर्स एंड वेरी मच मैटर। थैंक यू।